कुमार यादव व्याख्याता एलबी। आज हम लोग 11वीं क्लास के बच्चों के लिए है ना टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाए हैं। इसके अंतर्गत हमने वायुमंडली दाब यंत्र, ये जो वायुमंडली दाब यंत्र टोनसिली ने मरकरी की सहायता से मेजरमेंट किया था, हम इसे पानी की सहायता से मेजरमेंट करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, दो बॉटल लिया, एक ग्लास ट्यूब लिया और इन दोनों इस ग्लास ट्यूब को दोनों बॉटल से कनेक्ट कर दिया है ना, इसको एमसील से अच्छे से टाइट कर दिया। अब देखिए इसका एक्सपेरिमेंट की सहायता से अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, दोनों बॉटल को ओपन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये एक बॉटल को पूरा तरीके से टाइटली क्लोज कर देंगे, अच्छी तरीके से इसको आप बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या कर दीजिए, आप दूसरे बॉटल में अब पानी, एक तो कॉन्सेप्ट आया कि इस वायु का दाब इतना ज्यादा होता है, देखिए पूरे पानी को प्रेशर को रोक दिया है ना, इधर से उधर नहीं पड़ेगा। अब अगर इस बॉटल को हम यहां से बंद कर देते तो अब बताइए क्या होगा, आप सब कुछ सोचिए। तो देखिए आपने आंसर सोच लिया होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और जवाब ढूंढिए। तो देखोगे पानी यहां से भी, इस वाले बॉटल से भी इस वाले बॉटल में प्रवेश नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी जो पानी और ये जो दाब है दोनों बराबर है, इसलिए फिर से फ्लो नहीं हुआ। हमेशा दाब कहां से कहां बहता है, अब पानी डालेंगे। तो आप जो भी वीडियो इस समय देख रहे हैं, आप ये बताइए कि क्या पानी यहां से यहां जाएगा कि नहीं, सोचिए। तब तक मैं इसमें पानी डालते रहता हूं और देखते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसमें पानी डालेंगे तो आप देखोगे ध्यान से कि पानी दूसरे बॉटल में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वायु के दाब, इस दाब के कारण पानी यहां से यहां नहीं जा पाता है ना। यह अगर ये आपको, ये आपको कैन भी आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, इस बॉटल की हाइट को हम 10 मीटर तक लंबा कर सकते हैं। जब तक 10 मीटर लंबा नहीं होगा तब तक पानी का एक बूंद भी इस बॉटल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इस बात को हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट करके दिखाया इस यंत्र। देखिए वायुमंडलीय दाब कितना होता है हमारे पास, 1.013 × 10⁵ पास्कल। अब मरकरी के स्थान पर चूंकि हम अधिक दाब वाले से कम दाब की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। अब बताइए अगर मैं इस बॉटल को खोलूंगा तो क्या होगा, सोच लिया आंसर, गुड। देखिए अब जैसे हम इसको खोलेंगे ना बेटा, तो ये पानी का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। देखिए होगा क्या, देखो नहीं हो पा रहा है कि नहीं, देखिए चूंकि हमने पानी लिया तो उसी वायुमंडलीय दाब के लिए जो एच का मान आएगा वो कितना आएगा, 10 मीटर के बराबर आएगा, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन है, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब इसमें हम एक तो कॉन्सेप्ट आया कि इस वायु का दाब इतना ज्यादा होता है, देखिए पूरे पानी को प्रेशर को रोक दिया है ना, इधर से उधर नहीं पड़ेगा। अब अगर इस बॉटल को हम यहां से बंद कर देते तो अब बताइए क्या होगा, आप सब कुछ सोचिए। तो देखिए आपने आंसर सोच लिया होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और जवाब ढूंढिए। तो देखोगे पानी यहां से भी, इस वाले बॉटल से भी इस वाले बॉटल में प्रवेश नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी जो पानी और ये जो दाब है दोनों बराबर है, इसलिए फिर से फ्लो नहीं हुआ। हमेशा दाब कहां से कहां बहता है, अधिक दाब वाले से कम दाब की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। अब बताइए अगर मैं इस बॉटल को खोलूंगा तो क्या होगा, सोच लिया आंसर, नहीं हो रहा है ना, ये देखो क्यों, क्योंकि वही बात है बेटा, यहां भी पानी उतनी दाब है और यहां भी दाब, इसलिए भी नहीं हो। लेकिन जब मैं इस वाले बॉटल का ढक्कन खोलूंगा तब पानी का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए, क्योंकि यहां पर दाब ज्यादा हो गया था और यहां पर दाब क्या हो गया था, कम हो गया था। यहां पर दाब कौन कौन सा था, वायु प्लस पानी के कारण, और इस वाले बॉटल में समय क्या था, खाली बस था ना बेटा, वायु का दाब बस था, इसलिए दाब हमें अधिक दाब से कम दाब के पानी का प्रवाह होने लगा। और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों बॉटल में पानी का दाब बराबर ना हो जाए, अर्थात दोनों की तल ऊंचाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।